जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय पर शुक्रवार को आपदा विभाग की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से आए ज्वाइंट एडवाइजर कर्नल अमित खोसला शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने किया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से आए ज्वाइंट एडवाइजर कर्नल अमित खोसला गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जिले में होने वाले आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। शुक्रवार को आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में शामिल हुए, जहां पर ज्वाइंट एडवाइजर कर्नल अमित खोसला को आपदा प्रबंधन की ओर से की गई तैयारियों और गोरखपुर को की भौगोलिक जानकारी दी गई। इस मौके पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एडवाइजर खोसला ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से चला जा रहे आपदा प्रबंधन मित्र की तैयारियों के साथ गोरखपुर ज़िले के 200 आपदा मित्रों की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। साथ ही वॉलंटियरों को आपदा के दौरान उपयोग किए जा सकने वाले इक्विपमेंट भी दिए गए हैं। इस मौके पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज्वाइंट एडवाइज़र कर्नल अमित खोसला, NDRF के डिप्टी कमांडेंट PL शर्मा एवं आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता सहित आपदा प्रबंधन के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज्वाइंट एडवाइज़र अमित खोसला ने कहा, रिवर्स शारदा उसमें भी मिल जाती है और ये बहराइच में मिलने के बाद ये पानी आगे आता है गायघाट और करनेलगंज में रिवर सही हुए सर वो अभी इसमें आकर के समाहित हो जाता है। यह पूरा पानी अयोध्या होते हुए गोरखपुर के लिए आता है। इसी में सर आप देखेंगे कुआनो रिवर जो मैं आपसे कह रहा था चक्रवीय सर ये भी पानी आकर के घाघरा में मिल जाता है। ऊपर की साइड में सर हमारी राप्ती रिवर है जो कावरधारी श्रावस्ती से ये पानी एंटर करता है हमारे इंडिया में और यह पानी भिंगा बलरामपुर बांसी रिगौली होते हुए ये गोरखपुर की तरफ ये पानी आता है होता है और यह पूरा पानी जो है गोरखपुर में की तरफ यहाँ पे आता है। एक जो सर साइड से आ रहा है दैट वन इज रोहित रिवर जो त्रिवानी घाट महाराजगंज की तरफ से गोरखपुर में एंटर करता है और यह भी आकर के इसी बर्ड घाट जो है तो जो ये सर स्टार वाले जो है ये सेंट्रल वाटर कमीशन के बोकास स्टेशन का हुआ है तो ये भी पानी आकर के अगर आप देखेंगे तो टोटल 5, 10, 6, 7, 8, 9 नदियों का पानी तो सर हमारे घाघरा का है। 9 से 10 नदियों का पानी हमारे घाघरा का है और ऊपर से राप्ती में राप्ती इनका ऊपर का पोर्शन फिर भूरी राप्ती कुंद्रा और ये अराउंड गोरखपुर में सर 13 से 14 नदियों का पानी सभी धरी से होता है। इसलिए भी गोरखपुर सर फ्लड के हिसाब से बहुत ही वर्नेबल है। यहाँ से अगर आप फ्लड को पानी को अगर समझ लीजिए मतलब नहीं बढ़ जाए तो ये देखिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी अगर सुनना है सर। एग्जैक्टली अभी मैं आपको मतलब एक और मतलब एक प्रोज एंड कटहर पिपराइच और सरदार नगर ये इन तीनों ब्लॉक्स में सर हमारे कैनाल्स के थ्रू पानी जाता है। इनमें नदी नहीं है इनमें कैनाल्स के थ्रू पानी जाता है। कैनाल उससे क्या है कि एक तो वाटर का तो हमेशा चार्ज रहेगा तो इसलिए सर ये कैसे कह सकते हैं कि गोरखपुर के लिए सबसे बढ़िया बात है कि पानी बहुत अच्छा है यहाँ रिवर का एक बहुत बढ़िया है लेकिन यही हमारे लिए डिजास्टर का भी है। तो रिवर के फ्लो के अकॉर्डिंगली ये हम लोगों ने कहा था कि एवरेज रेनफॉल हमें कितना मिला था तो ये अगर हम देखें तो सर जो एवरेज रेनफॉल के हिसाब से ये हमने उसका फिगर आउट किया हुआ है तो तहसीलों के डेटा तो इससे भी और कम थे क्योंकि बहुत डेटा को हम चैलेंज मतलब उसको हम वो नहीं कर सकते लिख नहीं सकते क्योंकि उसका कोई मैंने सोर्स नहीं लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए तो गोरखपुर में जो रेनफॉल 2018 में मिला है वो भी सर 543.43 का। मैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से डिटेल किया गया था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ विजिट करने के लिए। एक तो कल मॉनड्रिल थी जो कि कल समाप्त हो गई जो बेहतरीन तरीके से हुई है और दूसरा था जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपदा मित्र प्रोजेक्ट है जिसमें गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में 200 कम्युनिटी वॉलंटियर को ट्रेन करने के लिए जो पैसा तकरीबन 45 लाख रुपए भेजे थे जिसमें इन्होंने अपनी ट्रेनिंग करवाई है और कम्युनिटी वॉलंटियर को कुछ इक्विपमेंट दिया है और इमरजेंसी जो स्टॉक पाइल हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्होंने रखे हैं तो वो खरीदे गए हैं। तो इसमें जो इनके ट्रेनिंग हुई है ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन हुई है जो इन्होंने आपदा मित्र जो वॉलंटियर ट्रेन किए हैं जिनको विभिन्न डिजास्टर की स्थिति में इन्होंने डिप्लॉय किया जैसे कि फ्लड हो गए स्कूल सेफ्टी की तरफ किया उसके बाद रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट में किया और कोई भी अदर जो डे टू डे कोई विपत्ति आती है यहाँ पे तो उसमें डिप्लॉय किया जिसको
बहुत ही एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को माना जा रहा है। दूसरा जो ये आपदा मित्र प्रोजेक्ट है, ये 25 स्टेट्स में लॉन्च हुआ था 2017 में और इट वाज इन 30 डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें से दो डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें बलिया और गोरखपुर था, जिसमें 200 बंदे ईच डिस्ट्रिक्ट ये ट्रेन किए गए हैं। और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, इन्होंने ये आगे प्लानिंग है कि इन्हें 1,00,000 कम्युनिटी वॉलंटियर पूरे भारत में इन्होंने ट्रेन करना है और मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट हैं आपदा वाले उनमें लॉन्च होना है। तो इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। इसी के लिए जो ग्राउंड से फीडबैक लेने के लिए मेरे को भेजा गया, जिसमें कि इनकी क्या उपलब्धियां हैं या क्या कमियां हैं, जिसको हम आगे प्रोजेक्ट में जब लॉन्च करेंगे तो उसमें हम शामिल कर सकते हैं। जिस तरह से इनके किटिंग था, जिसके लिए इनको लग रहा था कि पैसे थोड़े कम हैं, तो उसको हम सही आकलन करके और उसको जो सही रिक्वायरमेंट है पैसे की वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को करेंगे, तो उस हिसाब से फिर नया प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। एजेंसियों के लिए देखिए, ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ट्रेंड वॉलंटियर रहते हैं, तो इट इज़ अप टू द डिप्टी कमिश्नर टू डिप्लॉय देम अलॉन्ग विद द NDRF SDRF फॉर द रेस्क्यू ऑफ द पीपल फ्रॉम द बेसिकली इनको फ्लड रिलीफ के लिए किया गया है। हाउ एवर स्टेट गवर्नमेंट ऑब्लिक द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको कोई भी डिजास्टर के दौरान इनको डिप्लॉय कर सकते हैं होमगार्ड के साथ, NDRF के साथ, सो दैट एक सपोर्टिंग हैंड होते हैं और वो उसी कम्युनिटी के आसपास के होते हैं, सो दैट उनको पता होता है कि हमारे गांव में ये तकलीफ है या जो ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उन बंदों को ये इनके रहने से इवैक्यूएशन टू सेफ्टी सही हो जाता है। हाँ, आपदा मित्र की संख्या बढ़ा रहे हैं, हमने जैसे आपको बताया 1,00,000 बंदे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च करने के लिए ऑल ओवर इंडिया। तो वो अभी तो 200 बंदे पर डिस्ट्रिक्ट है, बट आगे में डिस्ट्रिक्ट की डेंसिटी को देखते हुए वो गवर्नमेंट जैसे अप्रूव करेगी, हो सकता है 300 या 400, डिपेंड करेगी जो ज़्यादा डेंसिटी है जिस डिस्ट्रिक्ट में, उस हिसाब से ज़्यादा बंदे ट्रेन किए जाएंगे, वैसे हिसाब से प्रोजेक्ट अप्रूव होगा।